की चौपाल में हम बात करेंगे पैकेज वाले फूड की, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्या ये नटखट? ठीक है, ये एक नटखट है। ओके, ये आपको अच्छा लगता है खाने में? यस सर। वेरी गुड। चलो आज ये देखते हैं इस नटखट में एक चीज लिखी हुई है। नटखट के पीछे लिखा हुआ है कंटेन्स एडेड फ्लेवर नेचर एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, उसकी तरह के फ्लेवर करने वाले फ्लेवर, राइट? एक्चुअली में वो नहीं, उसकी तरह फ्लेवर करने वाले सब्सटेंसेस इसमें है। आप मुझे ये बताओ कि मम्मी गरम गरम पराठा बना के देती है, आप ताजा ताजा पराठा खाते हो, अच्छा लगता है? क्या वो पराठा आप 4 दिन या 6 दिन बाद खाते हो? राइट। अब इसकी साइंस को समझते हैं। ये जो बना है, इसके अंदर जो चीज है, ये हाँ बताओ। बहुत लोग कहते हैं कुरकुरे के अंदर प्लास्टिक होती है, राइट? अब देखो मैं आपको बताऊं, ये जो नटखट है, राइट, इस नटखट जिस दिन बनी और पैक हुई और आप तक पहुंची, उसका पता नहीं कितने दिन लग गए, किसी ने काउंटिंग नहीं करी, बट इसके अंदर एक लिखा होता है बेस्ट बिफोर फोर मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग, राइट? तो जब ये लिखा है कि 4 महीने के अंदर अंदर पैकेज होने के, 4 महीने के अंदर खा लेना, क्योंकि इसके अंदर ये लंबे समय तक सही रहे, ये खराब ना हो, इसके अंदर प्रेजर्वेटिव डाले जाते हैं, राइट? प्रेजर्वेटिव भी फॉर्म होती है केमिकल। जो भी खाने की चीज है, इस खाने की कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, इससे खाने से आपकी सेहत बनेगी, इसका उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा लोग खाएं इसको, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ये फ्लेवर डालते हैं ऐसा जो जुबान पे लग के आपको मजा आ जाए और आपका मन करे बार बार खाने का, होता है? तो ये बार बार खाने वाला मन करने के लिए ये कुछ ऐसी चीजें मिलाते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम। लिखा तो बहुत कुछ होता है। आप सर, हम एनएसजी से एनएसजी उससे खाके आपके ब्रेन के सिग्नल्स आपको ये नहीं बताते, आपको ये बताते कि खाते जाओ, ये नहीं बता पाते कि रुक जाओ, राइट? सो ये जो होता है अजीनोमोटो, इसके अंदर मिक्सिंग होती है, और ये फूड इंडस्ट्री इसलिए काम करती है कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिले कि इसको बार बार खाओ, अच्छा लगता है, जितनी भी पैकेज फूड है, और वो हमारे को खाने से लगातार डायबिटीज हो जाती है। हाँ, कर्ल्स खाए थे आपने? ओके, अब ध्यान से सोच के खाना। कोई भी आओ, अनुष्का आओ, इसमें ये देखकर बताओ कि ये मैन्युफैक्चरिंग कौन सी डेट को की गई है, इसकी पैकेजिंग, डेट ऑफ पैकेजिंग, ध्यान से देखो। ये तो क्विज प्रोग्राम हो गया। हाँ, नहीं दिख रहा कोई, देख पाएगा इसमें? और बताओ इसको देखकर, इस पैकेज पे ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है या है ही नहीं, दिख नहीं रहा यहाँ पर, वो कहाँ लिखा है पता नहीं। डेट ऑफ पैकेजिंग कितनी बड़ी बात है, जब ये खुद लिख रहा है कि 4 महीने के अंदर इसको हमें खा लेना चाहिए, ये जिस टाइम पैक हुआ दुकान पे रखा, महीनों पड़ा रहा, नहीं खाया, नहीं बिका, तो इसका मतलब ये वो 6 महीने साल भर तक भी ये चलता रहता है और लोग इसको खाते रहते हैं, जबकि लिखा पैकेट उठा के ये देखना जरूरी, क्योंकि हम अपने शरीर के लिए खा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, वो इसके हमसे पैसे लेते हैं, राइट? हमको समझना पड़ेगा ये कब इसकी ये पैकेजिंग हुई है और क्या डेट लिखी है, और सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पैकेज वाले फूड हमें खाने भी है या नहीं। आप बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है ना पैकेज फूड कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि पैकेज कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये कि उसका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, राइट? हर चीज टेस्ट करने वाली अच्छी नहीं होती है, इसको ध्यान रखना।
नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई चीज लोगे तो सबसे पहले देखना इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब है, कितने दिन में हम खा सकते हैं। उसी से पूछना दुकानदार से, भैया ये बता दीजिए डेट कहाँ लिखी है, किस दिन ये बना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।